राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसएस से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहला आज का तीसरा सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक डायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इस डायरेक्टेड ग्राफ का एक खासियत है कि इससे किसी भी एक नोड से, किसी भी एक वर्टेक्स है, नोड वर्टेक्स जो भी कह लो, उससे एट मैक्स वन आउटगोइंग एज हो सकता है, ठीक है। जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, पर वन से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। जो ग्राफ है वो आपको एक एरे के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आईथ नोड से जो एजेस एज निकलेगा, ठीक है, वो आईथ नोड से ए आई पे जाएगा, ठीक है। मतलब उस आईथ इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट स्टोर्ड है उस पर वो ग्राफ डायरेक्टेड है, ठीक है, वो एज डायरेक्टेड है। और अगर ए ऑफ आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस वन, ठीक है, एजेस ऑफ आई इज इक्वल टू माइनस वन, तो इसका मतलब है कि आई से कोई भी आउटगोइंग एज नहीं, ठीक है। इसी के साथ आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको क्वेश्चन में दो नोड्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि नोड वन से लेके और नोड टू से लेके आप किस किस एज तक जा सकते हैं। बहुत सारे एजेस तक, बहुत सारे वर्टिसेस तक आप जा सकते हैं, बहुत सारे नोड्स तक आप जा सकते हैं, ठीक है। तो उन सभी नोड्स में नोड वन से जो डिस्टेंस है, नोड टू से जो डिस्टेंस है, ठीक है, नोड वन से आपको जाने में कुछ डिस्टेंस लगेगा टू ए पर्टिकुलर नोड से एक्स, ठीक है, नोड टू से उस पर्टिकुलर नोड एक्स पहुंचने में आपको कुछ और डिस्टेंस लगेगा, ठीक है। तो इन दोनों डिस्टेंसेस में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उस मैक्सिमम डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है आपको, ठीक है। और जो भी वो नोड है एक्स, ठीक है, जिसमें ये आपका जो मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमाइज हो रहा है, आपको उस नोड एक्स का वैल्यू को आपको रिटर्न करना है, ठीक है। बोल बोल के शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, पर आई होप जब अपन अप्रोच डिस्कस करेंगे तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार देखते हैं सब क्वेश्चन को किस तरीके से करना चाहिए या फिर मैंने किस तरीके से किया है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि ये एक डायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरो इंडेक्स पे टू दिया हुआ है, इसका मतलब जीरो से टू पे एक एज है। फर्स्ट इंडेक्स पे भी टू लिखा हुआ है, मतलब वन से टू पे एक एज है। सेकेंड इंडेक्स पे थ्री लिखा हुआ है, मतलब टू से थ्री पे एक एज है। एंड थर्ड इंडेक्स पर माइनस वन लिखा हुआ है, इसका मतलब थ्री से कोई भी आउटगोइंग एजेस नहीं। तो ये आपका ग्राफ है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा ये तो चीज़ तो। और आपको जो दो नोड्स दिए हुए हैं वो हैं जीरो एंड वन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि नोड वन से जाके जितने भी पाथ है, ठीक है, उस पाथ का जो जो भी वैल्यूज मिल रहे हैं अपन, उस पाथ से जहां जहां पर हम लोग जा पा रहे हैं उन सबका डिस्टेंस एक बार स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। एक बार देखते हैं किस तरीके से वो जीरो वन टू थ्री, ठीक है, जीरो वन टू थ्री, ओके, माइनस वन, इनिशियली सबको माइनस वन से इनिशियलाइज किया हमने, क्योंकि इनिशियली हम मान के चल रहे कि हम कहीं नहीं पहुंच सकते, और फिर अब हम डिस्टेंस स्टोर करेंगे कि जैसे जैसे हम किसी भी पाथ पर पहुंच पाएंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम नोड जीरो से अपना ट्रेवर्सल चालू करते हैं, ठीक है। तो नोड जीरो पे पहुंचने का जीरो से कितना डिस्टेंस लगेगा, जीरो, ठीक है। जीरो से फिर आप कहाँ गए, टू पे, तो जीरो से टू पे पहुंचने का डिस्टेंस कितना लगेगा, तो जो प्रीवियस डिस्टेंस था वो प्लस वन कर देना है हम लोग को, तो डिस्टेंस लग जाएगा वन, ठीक है। और टू से आप पहुंच जाएंगे थ्री पे, ठीक है, तो थ्री से आपको पहुंचने का, मतलब थ्री पे आपको पहुंचने का जीरो से क्या डिस्टेंस लगेगा, तो जो प्रीवियस डिस्टेंस था उस पे प्लस वन करके आपको ऐड कर देना है, ठीक है, ये हो गया टू, ठीक है। थ्री से आप कहाँ जा सकते हैं, थ्री से आप चले जाएंगे माइनस वन पे, ठीक है, मतलब बेसिकली जो भी इस एरे में लिखा हुआ है वहीं पर हम जा रहे हैं ना। थ्री मतलब जीरो से गए अपन टू पे, टू से गए अपन थ्री पे, अब थ्री पे जहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब जो भी ए ऑफ थ्री है वहां पर अब हम जाएंगे, तो वहां पर तो ये माइनस वन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि हम आउट ऑफ बाउंड चले गए, मतलब वहां से अब कोई पाथ नहीं है, हमें रिट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया पाथ, जीरो से हम जहां जहां पर भी जा सकते हैं उन सभी जगहों पर जीरो से जाने का मिनिमम डिस्टेंस ये स्टोर किया हमने, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वन नोड से हम शुरू होके कहां कहां पर जा सकते हैं, तो वन नोड से शुरू करेंगे हम, वन नोड से शुरू करेंगे, ठीक है, वन नोड से शुरू किया हमने, तो वन से वन जाने का दूरी जीरो, ठीक है। वन से अब हम कहां जाएंगे, वन से अब हम जाएंगे टू पे, ठीक है, वन से अब हम जाएंगे टू पे, तो वन से टू जाने का दूरी, ठीक है, तो जो प्रीवियस दूरी था उस पर प्लस वन कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा जीरो प्लस वन वन, ठीक है। अब हम टू से कहां पर जाएंगे, टू से अब हम जाएंगे थ्री पे, ठीक है,
तो थ्री पे जाने का दूरी जो प्रीवियस दूरी था प्लस वन कर देंगे टू, ठीक है। अब नेक्स्ट हम थ्री से कहां पर चले जाएंगे, थ्री से अब हम चले जाएंगे माइनस वन पे, माइनस वन पर चले गए, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि अब हम आउट ऑफ बाउंड चले गए, मतलब जितने भी नोड्स हो सकते थे हमने ट्रेवल कर लिया। ये चीज यहाँ पर गिवन है कि आपके पास एक वर्टेक्स से कनेक्टेड एट मैक्स एक ही एज हो सकता है, तो जितने भी एज हो सकते थे वो हमने ट्रेवल कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों एरे पे साइमल्टेनियसली इटरेट करेंगे, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा, क्यों करेंगे, ये एक बार जब हम करेंगे तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो जीरो से हमें, जीरो और वन से जो भी हम बात करेंगे, जीरो और वन से, जीरो और वन से हमें जीरो पहुंचने का दूरी क्या लगेगा, तो जीरो से जीरो पहुंचने का दूरी जीरो और जीरो वन से जीरो पहुंचने का दूरी माइनस वन, मतलब इट्स अनरीचेबल, ठीक है। बात हटाओ, ये अपना आंसर नहीं हो सकता, जीरो जो नोड है वो अपना आंसर नहीं हो सकता। आगे बढ़े तो वन पे पहुंचने का जीरो से दूरी माइनस वन और वन से वन पहुंचने का दूरी जीरो, ठीक है। तो माइनस वन होने का मतलब कि अनरीचेबल है, जीरो से ये अनरीचेबल है, तो दिस कांट बी आवर आंसर, ठीक है। अब टू पे जीरो से पहुंचने का दूरी वन, टू से पहुंचने का दूरी वन, ठीक है। अब अभी तक हमारा जो भी नोड है, ठीक है, जीरो और वन से कोई भी कॉमन नोड तो हमें मिला नहीं है, दोनों आउट ऑफ इंडेक्स ही मिले, मतलब अभी तक हमारा आंसर क्या है, माइनस वन। अगर आपको कोई भी ऐसा नोड नहीं मिल पा रहा जहां पर आप दोनों से पहुंच पाए तो आपको वहां पर माइनस वन स्टोर करना है, ठीक है। तो अभी तक कोई भी आपको ऐसा नोड नहीं मिला था जहां पर आप दोनों से पहुंच पाए, ठीक है। तो अभी आपको एक ऐसा नोड मिल चुका है, नोड टू, जहां पर आप जीरो से भी पहुंच सकते हैं, वन से भी पहुंच सकते हैं, और दोनों का आपका जो मिनिमम डिस्टेंस है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इन दोनों में, ठीक है, वो है वन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब थ्री पे पहुंचने का जीरो से दूरी टू, थ्री से टू से दूरी, सॉरी वन से दूरी टू अगेन, तो इन दोनों में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो क्या हो गया, ठीक है, टू, और ये नोड कौन सा है, थ्री, ठीक है। तो इनके मैक्सिमम में आप इनके मैक्सिमम, ठीक है, टू पे पहुंचने का दूरी वन था और थ्री पे पहुंचने का दूरी टू था, इन दोनों के मैक्सिमम का मिनिमम जब आप निकालोगे तो ये निकल के आएगा वन, ठीक है। तो वन के कॉरस्पॉन्डिंग कहां पर आपको मिला था आंसर, टू पे मिला था, तो टू विल बी योर आंसर, ठीक है, टू विल बी योर आंसर, ठीक है। एक और नेक्स्ट एग्जांपल भी अगर हम देखें तो मतलब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि इसके बाद आप खुद से कोड लिखने की कोशिश करो, क्योंकि खुद से अगर आप कोड लिखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी कोड इम्प्लीमेंटेशन का, ठीक है। तो अगेन जीरो से पहुंचने का सब जगह का बना लेते अपन, जीरो वन टू, जीरो से वन, जीरो से जीरो पहुंचने का दूरी जीरो, जीरो से वन पहुंचेंगे वन डिस्टेंस, जीरो से टू पहुंचेंगे टू डिस्टेंस, ठीक है, और नेक्स्ट नोड कौन सा है, टू, ठीक है, जीरो वन टू, तो टू से तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते, सिर्फ आप टू पे ही रह सकते हो, तो टू से टू का दूरी जीरो हो जाएगा और बाकी दोनों हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। अब हम फिर से देखते हैं कि इन दोनों में, मतलब जीरो और टू से कौन सा ऐसा कॉमन नोड है जहां पर हम पहुंच पा रहे हैं जिसका मैक्सिमम दूरी मिनिमम है, ठीक है। तो इनिशियली हम क्या करते हैं कि माइनस वन से आंसर इनिशियलाइज करते हैं, कि मतलब अभी हम किसी भी नोड पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसा कोई भी ऐसा कॉमन नोड नहीं है जहां पर हम जीरो से भी पहुंच पाए, टू से भी पहुंच पाए, ठीक है। अब चेक करते हैं फॉर जीरो नोड, ठीक है, तो जीरो नोड से, जीरो से पहुंचने का दूरी जीरो और टू से पहुंचने का दूरी माइनस वन, मतलब हम नहीं पहुंच पा रहे, माइनस वन मतलब अनरीचेबल, ठीक है। आगे बढ़ते वन नोड पे जाते हैं, जीरो से पहुंचने का दूरी वन, टू से पहुंचने का दूरी माइनस वन, इसका मतलब हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, माइनस वन मिल रहा है मतलब नहीं पहुंच पा रहे हैं। आगे बढ़े तो टू नोड पर जीरो से पहुंचने का दूरी टू, टू से पहुंचने का दूरी जीरो, ठीक है, तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन हुआ, टू, ठीक है, और ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग मिला है, टू के कॉरस्पॉन्डिंग मिला है आंसर, ठीक है। तो और तो कोई आंसर है नहीं, तो इन दोनों डिस्टेंसेस है, मतलब जीरो से पहुंचने का दूरी और टू से पहुंचने का दूरी में जो भी मैक्सिमम दूरी होगा, ठीक है, उसको आपको सिलेक्ट करना है, और इस तरीके से बहुत सारे नोड्स आपको मिल सकते हैं, यहाँ पर तो एक ही है, एग्जांपल अच्छा नहीं दिया है, तो बहुत सारे नोड मिलेंगे, ठीक है। तो इन सभी में से जो मैक्सिमम होगा, उन सभी मैक्सिमम में से जो मिनिमम आंसर आपको मिलेगा, तो वो मिनिमम किसके कॉरस्पॉन्डिंग मिला है वो आपको नोड रिटर्न कर देना है, बस एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको अगेन ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अप्रोच होने वाला है हमारा। अब बस इसी अप्रोच को सिंपल सिंपल मैंने लिखा है, और मुझे उम्मीद है कि आप खुद भी लिख सकते हैं अगर आपने हमारा पीपीएस फॉलो किया है, ठीक है, उसमें ग्राफ वाले प्लेलिस्ट में हमने इस तरीके के क्वेश्चन देखे हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन आजकल बहुत कॉमन हो रहे हैं, तो आई होप कि आप सबको बन गया होगा, ठीक है। तो एक बार देखते किस तरीके आंसर होगा, किस तरीके से कोड होगा।
तो इधर मैंने आंसर इनिशियलाइज किया है, जो कि मतलब इनिशियल आंसर है हमारा, कि मतलब हम नोड वन और नोड टू से पहुंच पाए। तो इनिशियल मैंने -1 से किया कि अगर कोई भी हमें नोड ही नहीं मिले जहां पर हम नोड वन नोड टू से दोनों जगह से पहुंच पाए, तो उस केस में आंसर हमें -1 रिटर्न करना है, तो -1 से इनिशियलाइज कर दिया। मिनिमम डिस्टेंस हमने इंट मैक्स से इनिशियलाइज किया, क्योंकि हमें मिनिमम निकालना है, गेम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप डी क्वेश्चन तक पहुंच रहे, सी क्वेश्चन तक पहुंच रहे हैं, तो और एन नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। और ये पाथ जो है, ठीक है, यहाँ पर पाथ जो है काइंड ऑफ विजिटेड एरे समझ सकते हो आप, डिस्टेंस एरे समझ सकते हो, जिसमें मैं नोड वन का, ठीक है, नोड वन से जहां जहां पर आप मैं जा सकता हूँ, नोड टू से मैं जहां जहां पर जा सकता हूँ, उन सब का डिस्टेंस स्टोर करूंगा, ठीक है। और ये स्टोर पाथ जो फंक्शन मैंने लिखा है, बेसिकली डीएफएस कॉल सी है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा कि नोड वन से शुरू होके जितने भी नोड्स पर मैं जा सकता हूँ, उन सभी का डिस्टेंस मैं स्टोर करूंगा, कि नोड वन से आपको उस नोड पर पहुंचने का कितना दूरी लग रहा है, ठीक है। तो उसको मैं स्टोर करूंगा, ठीक है। और फिर उसमें अपन स्टोर किए हुए पे जाएंगे, उसके बाद फिर मिनिमम निकालेंगे, ठीक है, मिनिमम। और मिनिमम अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो -1 है, ठीक है। -1 हो गया मतलब कि वो अनरीचेबल है। तो यहाँ पर हमने चेक किया कि अगर वो, पहले तो चेक करेंगे कि रीचेबल है, ठीक है। अगर रीचेबल है तो इन दोनों में जो भी मैक्सिमम है, ठीक है, वो अगर हमारे मिनिमम डिस्टेंस से कम है, तो हमारा मिनिमम डिस्टेंस अपडेट हो जाएगा और आंसर हमारा अपडेट हो जाएगा। अगर कोई एक -1 हो जाता है, तो यहाँ पर ही आपका लूप ब्रेक हो जाए, कि मतलब दोनों नोड से वो नोड जो एक्स के लिए हम चेक कर रहे हैं, जो आईएथ नोड के लिए हम चेक कर रहे हैं, वो रीच ही नहीं हो सकता दोनों नोड से, तो वहां पर हमें चेक नहीं करना है। अगर दोनों से रीचेबल है, ठीक है, तो जो दोनों का नोड पाथ वन से, मतलब नोड वन से पहुंचने का पाथ और नोड टू से पहुंचने का पाथ अगर मिनिमम डिस्टेंस से कम है, तो मिनिमम डिस्टेंस को अपडेट करेंगे, और जो आंसर है अपना उसको अपडेट करेंगे और रिटर्न कर देंगे आंसर। और ये जो डीएफएस कॉल्स मैंने लिखे हैं, ठीक है, स्टोर पाथ मतलब डिस्टेंस स्टोर किया मैंने, तो यहाँ पर क्या है कि अगर आई का वैल्यू -1 नहीं है, तो ये हमने बात किया कि कुछ नोड्स ऐसे भी हो सकते हैं जो -1 पे डायरेक्ट करे, मतलब नल को पॉइंट करे, तो उधर हमें नहीं जाना है। और कुछ ऐसा भी केस हो सकता है कि आपको साइकिल मिल जाए 1 2, ठीक है, इस तरीके से। तो 1 से कहाँ पर आप जाओगे, 2 पे जाओगे, तो 1 से मतलब अगर आप इसका बनाओ अरे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा -1 -1। 1 से आप 1 पे जाने का दूरी 0, 1 से 2 पे जाने का दूरी, फिर 1 से आप जाओगे 2 पे, तो इसका दूरी क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब 2 से आप कहाँ पर जा सकते हो, 2 से आप जा सकते हो 1 पे, ठीक है। पर आप 1 पे जब जा रहे हो, तो 1 का डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, -1 है, -1 तो नहीं है, तो -1 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आप पहले ही यहाँ पर पहुंच चुके हो। अगर आप पहले पहुंच चुके हो, तो पहले वाला डिस्टेंस ऑलरेडी स्मॉलर ही होगा, ठीक है। और एक बार आप विजिटेड कर चुके हो, तो अगेन विजिटेड करने का मतलब आप लूप में फंस जाओगे और मतलब टीएलई आ जाएगा, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए मैंने ये कंडीशन लिखा है, ठीक है। और अगर ये दोनों सेटिस्फाई करते, तो मैं पाथ को अपडेट कर, सॉरी डिस्टेंस को अपडेट कर दूंगा उस पाथ में, ठीक है। और फिर मैं उस जगह से पहुंच जाऊंगा एजेस ऑफ आई पे, मतलब वो जिस पे पॉइंट कर रहा है उस एज पे पहुंच जाऊंगा, उस वर्टेक्स पे पहुंच जाऊंगा, डिस्टेंस अपडेट हो चुका है मेरा डिस्टेंस +1, और ये दोनों सेम एज इट इज चल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, लिंक फॉर देम इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।